छतरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा चलाए जा रहे अवैध हथियार के विरुद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को टीआई अरविंद कुजूर और उनकी टीम ने कार्यवाही करते हुए दो अवैध पिस्तल और दो अवैध देसी तमंचे के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी अगम जैन ने बताया कि पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले मुख्य आरोपी अजीज मोहम्मद समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, नकदी समेत अन्य सामग्री भी बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। इसके आगे एसपी अगम जैन ने बताया कि अवैध हथियार रखने और विक्रय करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। पूरी टीम ने बहुत अच्छी एक कार्रवाई की है, जिसमें अवैध हथियारों के विरुद्ध जिस प्रकार से हमारी पूरी टीम कार्रवाई कर रही है, उसमें ही एक ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर भी सक्रिय था, उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। उस व्यक्ति का नाम है अजीज मोहम्मद, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है, और वो व्यक्ति जिनको बेचता था उनके कब्जे से भी एक एक हथियार बरामद हुआ है।